फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए द कैप। चीन और अमेरिका के बीच तनाव और चीन में लॉकडाउन के हालात भारत के लिए एक दमदार अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। यूं कह लीजिए कि चीन की समस्याएं भारत को फायदा पहुंचा सकती हैं। आप कहेंगे पहले भारत अपनी समस्याओं से तो निपट ले, फिर किसी दूसरे की समस्याओं का फायदा उठाएगा। सही भी है, चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत से मामलों में वो हमसे आगे भी है। चीन अपनी समस्याओं से शायद निपट भी लेगा, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि भारत को चीन की समस्याओं से फायदा होगा। कैसे? चलिए आपको उस खबर से रूबरू करवाते हैं जो ये साबित करती है कि चीन की समस्याएं भारत के लिए फायदेमंद होंगी। दरअसल दुनिया की टॉप टेक कंपनियों में से एक एप्पल मेड इन इंडिया आईफोन बनाने जा रही है। जी हाँ, सब सही रहा तो आईफोन 14 अब भारत में बनेगा, जो अब तक चीन में बनने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि एप्पल चीन को छोड़ भारत का रुख क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन के हालातों के कारण वहाँ एप्पल के नए फोन के प्रोडक्शन में 6 से 9 महीने की देरी आ रही है। यहाँ आपको बता दें, एप्पल भारत में भी आईफोन बनाता है, लेकिन अब तक कंपनी सबसे पहले चीन में अपने नए आईफोन प्रोडक्शन शुरू करती आ रही है। लेकिन चीन के आगे फिलहाल कुछ बड़ी समस्याएं फन फैलाए खड़ी हैं। एक तो अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष चल रहा है, दूसरा चीन में कोरोना के कारण लॉकडाउन का डर है। यही कारण है कि कंपनी अब नए ऑप्शन की तलाश कर रही है, जिसमें भारत एक अहम दावेदार के रूप में दिखता है, क्योंकि भारत में एप्पल पहले से आईफोन का प्रोडक्शन करता आ रहा है। एप्पल के पार्टनर के तौर पर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी भारत में 2017 से आईफोन बना रही है, तो जाहिर है एप्पल का आईफोन 14 के लिए भारत को चुनना एक सही ऑप्शन रहेगा। ये तो बात हुई आईफोन 14 के प्रोडक्शन की। अब इस नए फोन की कीमत भी जान लीजिए। आईफोन 14 की कीमत $799 यानी करीबन 64,000 रुपए से शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत पिछले साल के आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की तुलना में $100 यानी करीबन 8,000 रुपए बढ़ सकती है। आईफोन 14 की खासियतों पर अगर बात करें तो यानी इस नए फोन में कंपनी क्या कुछ नया दे सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। आईफोन 14 में 6.1 इंच की स्क्रीन हो सकती है और 14 मैक्स में 4.7 इंच का डिस्प्ले हो सकता है। प्रो मॉडल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यानी LOD फीचर भी शामिल किया जा सकता है। आईफोन 14 प्रो स्क्रीन प्रोटेक्ट की लीक इमेज से पता चलता है कि ये एक गोली की आकार के कटआउट को सपोर्ट करेगा, जिसके बगल में एक होल पी स्लॉट होगा। इसके अलावा आईफोन 14 सीरीज में बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने की भी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि आईफोन 14 में 3279 mAh की और आईफोन 14 प्रो में 3200 mAh की बैटरी हो सकती है। इसी तरह आईफोन 14 मैक्स में 4325 mAh की बैटरी मिल सकती है। पिछली रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रो मॉडल में 2 TB तक का स्टोरेज भी मिल सकता है। दूसरी ओर 14 और 14 मैक्स में 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के मुकाबले स्लो 6 GB LPDDR4X RAM होने की उम्मीद है, लेकिन आईफोन 14 कितना दमदार होगा ये तो इसके आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार आईफोन 14 पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा।